हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों. आज हम डेसिमल चैप्टर का चैप्टर चेकअप करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स. फर्स्ट क्वेश्चन है 14.5 डिवाइडेड बाय 2.9. अब देखिए बच्चों, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स करने के दो तरीके होते हैं, हम दोनों सीखेंगे, ठीक है. फर्स्ट तरीका, अगर डेसिमल के पीछे सेम नंबर्स हों, जैसे इस सम में 14.5 डिवाइडेड बाय 2.9. अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो दोनों जगह डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो. पहले डेसिमल को फ्रैक्शन बनाइए, मतलब रिमूवल ऑफ डेसिमल. हम कैसे रिमूव करते हैं? 145 को बिना डेसिमल के लिखते हुए नीचे पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक जीरो लगाएंगे. इस तरह से डेसिमल फ्रैक्शन बन जाएगा. डिवाइडेड बाय 2.9 को भी हम 29/10 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक जीरो लगाने से डेसिमल गायब हो जाएगा. सो 145/10 डिवीजन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट नंबर हो जाता है रेसिप्रोकल. यही लॉ है, डिवीजन अगर मल्टीप्लाई बन जाए तो नेक्स्ट नंबर बन जाता है रेसिप्रोकल. ये हमने रेशनल नंबर्स में भी पढ़ा है बच्चों. सो ऊपर 10 ones are 10, नीचे 10 ones are 10. अब 29/145 में कितनी बार जाता है? 5 times. सो हमारा आंसर है 5. तो इधर हम लिख लेंगे आंसर 5. नेक्स्ट हम उसी तरह से देखिए बच्चों, 2.1 डिवाइडेड बाय 1.4. 2.1 डिवाइडेड बाय 1.4. अब यहाँ भी देखिए बच्चों, डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक नंबर, तो हम यही बोलते हैं मेथड, यही मेथड हम यूज़ करेंगे. सो 21/10 डिवाइडेड बाय 14/10. सो 21/10 वैसे ही रहेगा, डिवीजन अगर मल्टीप्लीकेशन बन जाए तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा रेसिप्रोकल. 10 ones are 10, 10 ones are 10. 7 twos are 14, 7 threes are 21. सो हमारा आंसर है 3/2. अब 3/2 को ये इन है और ये आउट है, मतलब ऊपर वाला नंबर अंदर जाएगा और नीचे वाला नंबर बाहर आएगा. सो हम अगर इसे लॉन्ग डिवीजन करें, 2 ones are 2, सब्ट्रैक्ट 1, अब हम अपना जीरो लगा रहे हैं तो पॉइंट आएगा, 2 fives are 10, तो हमारा रिमाइंडर जीरो आ चुका है. सो हमारा आंसर क्या हुआ बच्चों? 1.5. सो यहाँ लिख लेंगे 1.5. अब ये सब देखिए बच्चों, यहाँ डेसिमल है ही है, यहाँ डेसिमल है ही नहीं, तो हमें वो मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. हम सीधा सीधा लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं, 14.5 डिवाइडेड बाय 4. कभी कभी बच्चों को ये डाउट होता है कि कौन सा अंदर जाएगा, कौन सा बाहर रहेगा नंबर, तो आप हमेशा न्यूमरेटर इन और डिनोमिनेटर आउट, फिर आप लॉन्ग डिवीजन कर दीजिए. 4 divided by 14.5, 4 threes are 12, रिमाइंडर 2. अब 5 को नीचे लाने से पहले हम डेसिमल को क्रॉस कर रहे हैं, तो डेसिमल को क्रॉस कर रहे हैं तो डेसिमल को ऊपर रखते हुए हम 5 को नीचे लेके आएंगे. सो 4 6 are 24, 25, 5 minus 4 1 0. सो अब हम अपना 0 लगाते हुए 4 2 are 8, 2 remainder 20, 4 5 are 20. सो हमारा आंसर होगा 3.625. अब यहाँ देखिए बच्चों, डेसिमल के बाद दो नंबर, यहाँ भी डेसिमल के बाद दो नंबर, तो क्या हम इस तरह से कर सकते हैं जैसे हमने ये सम्स किए थे? ठीक है. सो 19.68 आफ्टर डेसिमल टू नंबर्स, 6.15 आफ्टर डेसिमल टू नंबर्स. सो हम इसे फ्रैक्शन में बनाएंगे. अब फ्रैक्शन में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस नंबर को विदाउट डेसिमल लिखते हैं, तो नीचे कितने नंबर्स आएंगे बच्चों? 100. यस, उसी तरह से 6.15 को अगर हम डेसिमल के बगैर लिखें तो 615. अब नीचे कितना जीरो से आएगा? पॉइंट के बाद दो नंबर, तो 100. सो 1968/100 इनटू, अब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बन जाए तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल. 100 ones are 100 ones are. अब क्या बचा बच्चों? 1968 डिवाइडेड बाय 615. अब इसे लॉन्ग डिवीजन करेंगे. अब हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे, ये है इन, ये है आउट. सो 615 डिवाइडेड बाय 1968. अब 615 इंटू 3 क्या है बच्चों? 1845. सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 2 1. अभी हम अपना जीरो लगा रहे हैं, क्वेश्चन में जीरो नहीं है, तो हम व्हेन वी आर एडिंग आवर जीरो, हम यहाँ क्या प्लेस करेंगे? 1.
एक पॉइंट प्लेस करेंगे. सो 615 इंटू 2 1230. सो हमारा आंसर आया है 3.2. सो हम 3.2 इधर लिख देंगे. अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ डेसिमल के बाद तीन नंबर है 2.028 डिवाइडेड बाय 3.12. अब यहाँ डेसिमल के बाद कितना नंबर है? दो. तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम नहीं यूज़ कर सकते. अब हमें डेसिमल निकालने की कोशिश करनी होगी. तो वो कैसे करेंगे? 2.028 डिवाइडेड बाय 3.12. मतलब यहाँ से डेसिमल हटाने के लिए डिनोमिनेटर से डेसिमल हटाना बहुत ज़रूरी है. ऊपर डेसिमल रहे चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में डेसिमल नहीं रहना चाहिए. तो हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? अगर ये डेसिमल इधर पहुंच जाए तो ये 312 हो जाएगा. तो इसके लिए हमें दो बार जंप करना पड़ रहा है राइट की तरफ. तो मल्टीप्लाई बाय 100. अब इस इधर तो सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा. तो जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेसिमल लेफ्ट से राइट की तरफ दो बार जाएगा. सो 1 2, तो डेसिमल इधर आ जाएगा. सो हमारा आंसर होगा 202.8/312. अब बस लॉन्ग डिवीजन करना है बच्चों. 312 को 202.8 से डिवाइड करना है. अब 312 इंटू, अभी देखिए बच्चों, यहाँ सिर्फ 202 अगर हम लेंगे तो ये 312 से छोटा है. तो हमें ये चारों नंबर लेना होगा. तो हम डेसिमल को क्रॉस कर रहे हैं तो इसीलिए हम पॉइंट लगाएंगे. सो 312 इंटू 6, 6 टूज आर 12, 6 वन आर 6, 7, 1872. अब सबट्रैक करते हैं, 8 माइनस 2 6. अब बोरो करना पड़ेगा तो यहाँ से यहाँ 10 दे दिया, यहाँ से यहाँ 1 दे दिया, तो ये 9 बन गया. 12 माइनस 7 5, 9 माइनस 8 1. अब हम अपना जीरो लगा रहे हैं. सो 312 इंटू 5, 5 टू ज़ा 10, 5 वन ज़ा 5 6, 5 थ्री ज़ा 15. अभी आप सोचोगे मैम आपको ये कैसे मालूम कि 5 ही आएगा? क्योंकि देखिए बच्चों, 5 टू ज़ा एंडिंग में 10 आ रहा है, तो इसीलिए मैंने ट्राई करके देखा. ठीक है, सो 0.65 ये हमारा आंसर हुआ. तो हमने ये मेथड जो यूज़ किया वो यहाँ यूज़ नहीं हो सकता है, तब हम ये मेथड यूज़ करते हैं. अब नेक्स्ट सम में भी ऐसे ही करना होगा. देखिए 1.7019 डिवाइडेड बाय 5.49. अब यहाँ डेसिमल के बाद है चार नंबर, यहाँ डेसिमल के बाद है टू नंबर. तो हमें इस डेसिमल को निकालने की कोशिश करनी होगी. सो 1.7019 डिवाइडेड बाय 5.49. तो किसके साथ? अभी डिनोमिनेटर में डेसिमल नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी अवर एम. हमारा एम क्या होना चाहिए बच्चों? नो डेसिमल इन डिनोमिनेटर. तो किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से. तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा. सो ये ही इंपॉर्टेंट है. यहाँ डिसाइड करते हुए आप वो नंबर लाओगे. ठीक है, अब यहाँ डेसिमल निकालने के लिए तो चार जीरोस लगाना पड़ेगा, बट दैट इज नॉट अवर एम. हमारा एम है यहाँ से डेसिमल निकालना. तो ये कितना डेसिमल, कितना ही नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल निकल जाएगा, सिर्फ ये सोचिए, इसके बारे में मत सोचिए. तो 5.49 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल निकल जाएगा, इसलिए हम ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, सो ये बन जाएगा 549, क्योंकि डेसिमल दो बार राइट की तरफ, मतलब इधर आ गया 549.0. 549.0 को हम 549 लिखेंगे. अब यहाँ दो जीरो, मतलब यहाँ से यहाँ आएंगे. सो 170.19. फिर आप 549 को 170.19 से डिवाइड करके देखिए बच्चों. चलो शुरू करते हैं. 549 इंटू, अब यहाँ पे देखिए बच्चों 170.1 आ रहा है, 0.1 आ रहा है. तो हमें ये भी लेना पड़ेगा, क्योंकि 170 तो 549 से छोटा है. तो हमें 1701 लेना पड़ेगा. इसके लिए हमें डेसिमल क्रॉस करना पड़ रहा है, इसीलिए हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे. अब 549 के नीचे क्या आएगा? 3 से करते हैं. 3 9 ज़ा 27, 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 14, 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16. सो 549 इंटू 3 इज 1647. अब इसे माइनस करना है. सो यहाँ से इसको बोरो करके देंगे, यहाँ से इसको देंगे, और ये बन गया 9. 11 में से 7 गया तो 4, 9 में से 4 गया तो 5, और इस 9 को लेके आएंगे. 549 वन ज़ा 549.
सो हमारा आंसर है 0.31। तो आप होप आपको समझ में आया होगा बच्चों कि अगर दोनों जगह डेसिमल सेम है तो आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, और अनइवन डेसिमल्स है तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय।